गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में 8 स्पा सेंटरों पर बुधवार शाम पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई हुई। इस दौरान 99 युवक युवतियां हिरासत में लिए गए। पुलिस ने इनमें से 5 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। ये 7 स्पा सेंटर के मैनेजर बताए जा रहे हैं। बाकी 58 युवतियों को छोड़ दिया गया है। वहीं 34 कस्टमर युवकों को भी जमानत पर छोड़ा गया है। इन सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 8 स्पा सेंटरों से करीब 1 लाख रुपए कैश, बड़ी संख्या में मोबाइल, रजिस्टर, डायरी, कपड़े और आपत्तिजनक सामग्री रिकवर हुई है। इस दौरान डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने कहा कि स्पेशल टीम के मेंबरों को पहले कस्टमर बनाकर इन स्पा सेंटरों पर भेजा गया था, तब जाकर सच्चाई सामने आई। पुलिस का दावा है कि स्पा सेंटरों पर मसाज और थेरेपी की आड़ में जिस्म फरोशी का खुला धंधा चल रहा है। कस्टमर को आकर्षक मसाज के नाम पर लुभाकर इस सेंटर तक लाया जाता है। एक कस्टमर से 3 से 5 हजार रुपए तक वसूले जा रहे थे। जो लड़कियां यहां पर काम कर रही थी उन्हें प्रति कस्टमर की एवज में कमीशन मिलता था। घर से ये लड़कियां ब्यूटी पार्लर या कॉल सेंटर में जॉब करने की बात कहकर निकलती थी। पैसिफिक मॉल दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद के कौसाम्बी एरिया में स्थित है। यहाँ पर 9 स्पा सेंटर संचालित है। पुलिस को इनके बारे में काफी दिनों से अनैतिक देह व्यापार कराने की सूचनाएं मिल रही थी। अफसरों की टीम ने अपने मुखबिर भेजकर पहले ये सूचनाएं वेरीफाई कराई। इसके बाद डीसीपी विवेक चंद्र यादव और एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने पुलिस फोर्स लेकर बुधवार शाम इन स्पा सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की। डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि 8 स्पा सेंटरों पर सेक्स रैकेट चल रहा था। यहां से 60 लड़कियां और 39 लड़कों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियां हैं जिनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। ऐसी लड़कियों को इस केस में विक्टिम बनाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। जो लड़कियां अपनी मर्जी से इसमें इन्वॉल्व हैं उनके और स्पा सेंटर संचालकों के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का केस दर्ज कर लिया गया है।